अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो सीरीज ऑफ आई यू वी एम दैट इज डिपेंड ऑन पाइथन बेस्ड यूनिवर्सल वेरिफिकेशन मेथोलॉजी। हमारी जो लास्ट वीडियो थी जिसमें हमने सबसे पहले हमने स्टैंड और इम्प्लीमेंटेशन करना सीखी थी सिंपल कोगुटीवी टेस्ट बेंच की। उसमें हमने सबसे पहले हमने फिक्स नंबर जनरेट करना सीखे। आज की इस वीडियो में हम रैंडम नंबर्स जनरेट करना सीखेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम अपने डट को सेंड कर सकें। हमारा जो डट होगा वो फुल एडर सर्किट ही होगा, जो लास्ट से हमने जो इम्प्लीमेंटेशन की थी जिसमें हमने फिक्स नंबर जनरेट करके उसको सेंड किए थे। और उसके साथ ही साथ हम आज लॉक करना भी सीखेंगे अपने डेटा को। हम स्टार्ट करते हैं। हम वापस अपने फुल एडर टेस्ट बेंच पे जाते हैं फोल्डर में, जहाँ हमारे पास सेम सेम फाइल है फुल एडर डॉट एस पी की जो लास्ट टाइम हमारे पास थी। उसके बाद हमारे पास फ्रेमवर्क के फोल्डर में हमारे पास फुल एडर टेस्ट बेंच डॉट पी वाई फाइल थी, जो कि हमने रैंडम नंबर फिक्स नंबर जनरेट करना सीखे थे। आज की वीडियो में हम रैंडम नंबर देखते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं अपने पुराने वाली फाइल को, चीज़ों को। सबसे पहले हम सेम फंक्शन क्रिएट करना करेंगे जो एसिंक्रोनस फंक्शन होगा, जैसे कि लास्ट टाइम बताया था कि हमने एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया था। अब इसमें हम रैंडम टेस्ट का फंक्शन क्रिएट कर लिया है। इसके अंदर भी हम सेम यहाँ आपको लास्ट में बताया था कि हम आर्गुमेंट देते हैं, तो हम यहाँ डॉट एनालाइज करवाते हैं। उसके बाद हम यहाँ डिफाइन करेंगे अपने थ्री डिफरेंट इनपुट्स। जो के होंगे हमारे रैंडम तो हमें जैसे कि बताया कि हमारे पास थ्री इनपुट्स हैं हमारे सर्किट के, क्योंकि हमारा फुल एडर है जिसमें हमारा ए इनपुट था, बी था और सी इन था। तो यहाँ सबसे पहले ए लिखते हैं और इक्वल टू करके हमें अपने रैंडम नंबर जमा जनरेट करवाना है। तो उससे पहले हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाते हैं जिसका नेम है रैंडम, जो कि हमें रैंडम नंबर जनरेट करके प्रोवाइड करेगा। इससे होगा क्या, जब मैं यहाँ रैंडम डॉट इंटीजर राइट करूँगा तो रैंडम डॉट रैंड इंटीजर जब मैं वो करूँगा उसमें मैं डिक्लेयर करूँगा, क्योंकि हमें आपको बताया कि हमारा जो सर्किट में जो हमारा फुल एडर है ये कितने बिट्स हैं, ये सिंगल बिट्स हमारा जो फुल एडर है जिसके इनपुट भी सारे सिंगल बिट हैं, उसका आउटपुट भी सिंगल बिट है। तो हमें पता है कि सिंगल बिट में हमारे पास दो ही आउटपुट जा सकते हैं पॉसिबिलिटीज, और वो कौन कौन से हो सकते हैं, या वन हो सकता है या जीरो हो सकता है। तो यहाँ मैं इनलेस कमाऊंगा 0, 1। अब ये क्या करेगा कि ये इतने से जब हम मैं उसको रन करूँगा प्रोग्राम को, तो ये कोई सा भी 0 या 1 मुझे प्रोवाइड कर देगा इस ए में। उसके बाद मैं सेम अपने सेकेंड इनपुट के लिए भी ये करूंगा, जो कि हमारा इनपुट बी है। उसके अंदर हमारा सिंगल सिंगल बिट हमारा है कि जिसके अंदर सब 0 या 1 जाएगा, सेम टू सेम सबके लिए होगा कैरी। अब हमारे पास रैंडम डॉट वेंड इंटीजर जो एक फंक्शन है रैंडम का हमने इस्तेमाल किया है। अब उसके बजाय हम अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमारे पास दूसरे भी होते हैं फंक्शन जिसमें हमारे पास रैंडम डॉट चॉइस भी होता है, रैंडम डॉट सैम्पल भी होता है। इनके अपने अपने अलग फंक्शन है जिनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में। तो अभी हम सबसे पहले रैंडम डॉट रैंड इंटीजर का चेक कर लेते हैं कि करता क्या है। उसके बाद हमने डिफाइन कर लिया है, अब हमें सेम टू सेम वापस असाइन करना होगा अपने ये सब जो भी हमारे जो इनपुट्स हैं डॉट को।
जिसमें हमें सबसे पहले हमें आइडिया है कि हमारे जो 3 इनपुट्स हैं वो इन1 इन2 और सीन है। तो मैं सेम टू सेम डॉट डॉट इनपुट 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू ए, ए के अंदर वही जाएगा। इसमें से अब हमें डिसाइड नहीं होगा कि उस बार 0 जाएगा या 1 जाएगा, तो ये खुद ही चूज करेगा जब हम रन करेंगे प्रोग्राम, उसके अंदर ये पे डट के अंदर सेंड कर देगा इनपुट 1 पे। उसके बाद हमारे पास इनपुट 2 पे भी वही सेम परफॉर्म होंगे एक्शन। और जो हमारा थर्ड इनपुट था जो हमारा डट का था वो सीन था जो कि कैरी इन है। उसके बाद हम आपको पता है कि हमें टाइमर लगाना पड़ता है, टाइम टू परफॉर्म आरटीएल फंक्शंस या लॉजिक आप कह सकें। उसके बाद हम यहाँ डिफाइन करेंगे अब अवेट टाइमर आप यहाँ कितने भी आप मतलब नैनो सेकंड का टाइम डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ 2 दे रहा हूँ तो आप यहाँ 4 भी डिसाइड कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू ये डॉट। तो यहाँ मैं 2 नैनो सेकंड दे रहा हूँ जिसमें मेरा ये डॉट परफॉर्म हो जाता है। उसके बाद अब हमें अपने आउटपुट भी चेक करने होते हैं, तो हमारा जो आरटेल ने क्या परफॉर्म किया है। तो क्या फुल एडर है और हमें पता है कि आउटपुट भी इसके 2 2 आउटपुट्स हैं जो कि सी आउट और सी इन है। इसमें हम सबसे पहले सी आउट सेम टू सेम इक्वल टू डॉट डॉट सी आउट डॉट वैल्यू बाद सम्स इक्वल टू डॉट डॉट सम्स सम्स डॉट वैल्यू। तो हम अपना प्रिंट चेक करते हैं डिस्प्ले द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डाटा। तो हम प्रिंट लगाएंगे, इसमें हम पहले डिफाइन करेंगे कि हमारा इनपुट 1 जो कि हमारा ए है वो सेकेंड इनपुट हमारा बी था, थर्ड इनपुट हमारा सी इन था जो कि कैरी इन है। उसके बाद हम अपना आउटपुट वो प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद जो आउटपुट है वो पाइथन में प्रिंट करवाने में ये बताया कि जैसे आपने यहाँ पहले हम जैसे कमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद आपको 2 चीज़ें प्रिंट करवानी होती हैं तो आपको वो अलग अलग कमानी होती है, तो उसके लिए हमें बीच में कॉमा इंक्लूड कमाना पड़ता है। जैसे प्रिंट में इनपुट 1 शो होगा और दूसरे कॉमे के बाद दूसरा प्रिंट जो ए में जो हमारे वैल्यूज जा रही है उसको हम चेक करेंगे। तो ऐसे ही हम यहाँ सम को डिक्लेयर करते हैं एंड देन हम सी आउट को चेक करेंगे। अब ये होगा कि हम जब उसको रन करेंगे हमने 10
टेस्ट बेंच को, तो हमें नहीं पता कि उसमें 0 जाएगा या 1 जाएगा, तो ये खुद ही रैंडम कोई चूज करेगा इनमें से नंबर, और वो उसके अंदर सेंड कर देगा। तो हम इसको चेक करते हैं, सबसे पहले सेव कर लेंगे कंट्रोल एस से, या लेफ्ट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल करेंगे, और बाकी जो भी हमारी मैक फाइल है वो सब सेम रहेगी जो हमने लास्ट टाइम जो हमने बताया था मैंने आपको, और जो हमने की इम्प्लीमेंटेशन की थी लास्ट टाइम, कि मैक फाइल हम ले सकते हैं, टेस्ट बेंच की फाइल यहाँ फ्रेमवर्क में रखते हैं, एचडीएल में हमारा कोलेडर की फाइल होगी जो कि हमारी मैक फाइल होगी। उसके बाद हम सब यहाँ ओपन इन टर्मिनल करते हैं। अगर आपको अपने प्रीवियस वो विंडोज देखनी होती है कि हमारे कौन कौन से टैब खुले, तो अल्टर टैब दबा के आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा टर्मिनल पहले से खुल चुका था, तो यहाँ हम Python 3 और फुल एडर जो हमारे टेस्ट बेंच py की जो फाइल है उसका नेम लिखते हैं। अब fu लिखेंगे और साथ में अगर टैब दबा देंगे तो ये खुद ही डिटेक्ट कर लेगा कि फुल एडर टेस्ट बेंच py की फाइल है। तो ये करने के बाद आप इंटर करें, तो यहाँ इसने एक सिंटेक्स एरर बताया कि हम Python 3 फुल एडर टेस्ट बेंच डॉट पीवाई हम इसे इस्तेमाल करते थे, अगर आपकी पाइथन की फाइल में कोई एरर है तो हम उसको चेक कर सकें। अब हम क्योंकि हम जो हम टेस्ट बेंच जब चलाते थे तो हम मैक करके चलाते थे, अगर मैक करके भी चलाना चाहे आप चेक कर सकते हैं एरर, बस इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये, क्योंकि जितना बड़ा आपका टेस्ट बेंच होगा उतना टाइम आपको डिबग में लग जाएगा कि कहीं एरर आ जाए। तो आप Python 3 लिख के आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी फाइल में कोई एरर तो नहीं है। अब जैसे यहाँ मेरा एक एरर था जो कि फोन ने बता दिया था, अब जब मैंने मैक लिखा है फाइल कमांड तो उसको टाइम लगता है, तो इसने देखें ये सेम एरर बताया कि आपकी फाइल में ये एरर है जो कि लाइन नंबर 5 पे है testbench.py। तो ये एरर मैं Python 3 लिख के भी चेक कर सकता हूँ जो कि मुझे बता रहा है। तो हम चेक करते हैं इसका एरर क्या है। इनवैलिड सिंटेक्स बता रहा है, तो अभी हम रिमूव कर लेते हैं। अच्छा अच्छा असल में सीन ये होता है कि हम क्योंकि कोको टीवी डेकोरेटर के अंदर वर्क कर रहे होते हैं, तो ये जो पाइथन के जो कमेंट डालने का फॉर्मेट है मल्टीपल कमेंट्स का वो इसके अंदर वर्क नहीं करता। वहाँ अगर आपको कमेंट करना होता है तो आपको ये सिंगल लाइन कमेंट करना पड़ता है जिसमें हम हैशटैग करके कमेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि हमने ये डेकोरेटर सुपर उसको हमने जो रखा होता है उसको हमने वहाँ कमेंट कर लिया है। उसके बाद हम इसको रन करते हैं, देख सकते हैं कि हमारा कोई एरर नहीं है। हम क्लियर करते हैं पहले अपनी टर्मिनल विंडो को, वापस चेक करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कोई एरर नहीं है। तब तो हम मैक करके चेक करते हैं, रन करते हैं अपने टेस्ट बेंच को। देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम तो सक्सेसफुली पास हो चुका है, जिसमें हमारे जो 3 डिफरेंट इनपुट्स थे, जिसमें हमारा इनपुट ए इनपुट बी इनपुट सी था, जिसमें हमारे पास रैंडम नंबर्स आए, जैसे इनपुट ए में 0 पूरी से चूज किया और उसमें इंसर्ट किया सेंड किया, इनपुट बी में उसने 0 या 1 में से 1 सेलेक्ट किया, और फिर उसने सी में भी 0 1 में से पूरी 1 सेलेक्ट किया जिसमें वो 0 सेलेक्ट किया था, जिसमें उसने सेंड करके उसने अपना आउटपुट दिखाया जिसका सम 1 और 0 आता है, जिसमें हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जब हमारा 0 1 0 फुल एडर में सेंड होता है उसके बाद हमारा जो 0 1 0 पे सम 1 होता है और सी आउट 0 होता है। इस तरीके से आप बार बार चेक कर सकते हैं मैक करके कि हमारे पास हर बार डिफरेंट इनपुट्स जनरेट हो रहे होंगे रैंडमली, जिसमें से वो 0 या 1
सेलेक्ट कर रहा होगा। इस बार उसका इनपुट ए में 0, और इनपुट बी में 1, और इनपुट सी में 100। इस तरीके से आप उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं अपनी पूरे एरर की, और चेक कर सकते हैं कि जो हमारा जो डिज़ाइन है वो सही परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसी तरीके से हमारे डिफरेंट जितने भी हमारे डिजाइन होते हैं या आर्टिकल होते हैं उनकी वेरिफिकेशन हो रही होती है। मगर ये थोड़ा सा बेसिक लेवल में आप रनिंग फेज में समझा रहा हूँ, इसका ऐसा ऐसा हम जाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि किस तरीके से वो एडवांस होती है। तो अभी हमने देख लिया कि हमारे पास 3 2 डिफरेंट इनपुट, 1 जा रहे हैं 0 जा रहे हैं, जिस पर हमारे पास आंसर भी सेम आ रहे हैं। अगर मैं चाहूँ, अगर हम करना ये चाहें कि मैं हर बार मैक ना चलाऊँ, मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि 10 टाइम्स चले मेरा ये टेस्ट, जिसमें वो कभी 0 जाए 1 जाए या 0 या 1 कुछ भी जाए, उस पर भी आउटपुट डिफरेंट आता है। तो हम इसके लिए हम लूप का यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथन में 2 टाइप्स ऑफ लूप होते हैं, जो व्हाइल लूप और फॉर लूप। तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं और देखते हैं। फॉर, जैसे मैं लिखता हूँ, फॉर आई इन रेंज 10, मैं चाहता हूँ कि मैं 10 टाइम्स परफॉर्म हूँ टेस्ट, उसके पास 10 डिफरेंट इनपुट्स हैं मैं आरटीएल में, जब मैं एक ही बार मैक लिखूँ और उसके आउटपुट्स में देख सकूँ। तो मगर फोर के लिए हमें इसके अंदर इसको आइडेंट करना पड़ेगा। तो सब कुछ सेलेक्ट करके टैब पे वो कर दें, उसको कंट्रोल सेव करते हैं और चेक करते हैं रन करके। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे 10 टाइम्स परफॉर्म हुआ है। जैसे हमारा इनपुट ए, इनपुट बी, सेम पहले 001 गया, उसका 100 गया, फिर 001, फिर 010। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हर बार हमारे डिफरेंट इनपुट्स हमारे आर्टिल में सेंड हुए हैं। तो इसी तरीके से हम आप 100 टाइम चेक कर सकते हैं, उसके बाद आपका ट्रुथ टेबल चेक कर सकते हैं। जो हमारा डिज़ाइन था उसका आंसर हमेशा यही आना चाहिए था कि ये आ रहा है नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जहाँ प्रिंट करके भी देख रहे हैं, हमने लास्ट टाइम भी चेक किया था कि एक VCD फाइल जनरेट होती है, जो कि हमारी GT की वेव दिखाती है, वेव फॉर्म, जिसमें हम चेक कर सकते हैं कि हमारे जो इनपुट हमने जनरेट किए थे वो जा भी सेंड हो भी है नहीं हो रहे हैं। जैसे कि मैं इनपुट 1 को सिलेक्ट करता हूँ, इनपुट 2 को, सी इन सी आउट, सम और सी आउट मेरे आउटपुट थे। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 001 गया था। आप इस पर क्लिक करके इससे आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब जैसे इस पर क्लिक करके मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर मैंने चेक किया, जिसमें 1 इनपुट 100 सम का 10 आया था। इसे चेक कर सकते हैं कि हमारे डट ने, जो हमारी जो लॉगिन जो डिटेल्स ने, उन्होंने परफॉर्म एक्शन भी किया है साथ ही साथ। इस तरीके से हमारी 2 टाइम्स टेस्टिंग भी हो गई। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी फाइल्स हैं हमारी, जिसमें हमने मेक फाइल या कोलैडर टेस्ट ब्रेन डॉट पी फाइल, जो हमारी वेरॉक की फाइल है, मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, तो आप वहाँ से इजीली उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। अगर हम इसके आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिंग करना सीखेंगे, किस तरीके से हम डेटा अपना लॉग कर सकते हैं, जो कि एक बेस्ट वे होता है वेरिफिकेशन इंजीनियर्स के लिए, इसके बाद से वो देख सके कि हाँ हमारा आंसर जो आए थे, जो इनपुट्स गए थे, वो कौन कौन से गए थे इन CSV फाइल। स्टे ट्यून फॉर अपडेट वीडियोस एंड फॉर द वेरिफिकेशन। थैंक यू सो मच।